भी कर लिया भाई पूजा, ये रही एमवीएम कर लिया आपने, अब केशव ये है केशव का गिफ्ट, फर्स्ट आने पर वाली मूवी दिखाने लाए हैं भाई मेरे को साउथ की, इसकी तो मुझे मूवी एकदम मस्त सीन है भाई, पूरी मूवी मजा आ गया देखते हुए मैं तो नींद। और पार्किंग में ना हमने ढूंढ ढांड के लगा दिए वीआईपी गाड़ी अपनी बस। अरे भाई अंदर आ गए हैं भाई, ये वाला झूला सबसे डेंजर झूला, इसी को देख और पास में चलते थोड़ा फोटो ले जाएंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो भाई ये मैंने सेकंड ब्लॉग इसलिए चालू करा है, वो मैंने आपको बताया था कि उस ब्लॉग को मैं अलग रखूँगा, इस ब्लॉग को अलग रखूँगा। तो जैसे कि दोस्तों आज दशहरा है, पहले तो नाम रामनवमी की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। तो आज दशहरा है तो भाई शाम को दशहरा, अभी हम दशहरा पूजेंगे घर में और शाम को दशहरा देखने भी जाएंगे। अभी हम रावण जी की पूजा करेंगे और फिर शाम को जाकर रावण जी को फूकेंगे। ये यार समझ में नहीं आ रहा, लेकिन कोई बात नहीं, जो धर्म में लिखा हुआ है वही हम करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल अभी हमें करनी है पूजा, उसके बाद भाई निकल के बैठ दूंगा और जब शाम को जाऊंगा रामलीला के लिए देखने के लिए, तो वहाँ पे भाई जो भी अपडेट होगी रामलीला की वो दूंगा आपको। पहले देते हैं पूजा की अपडेट, फिर देंगे रामलीला की अपडेट, ठीक है दोस्तों। कर लिए भाई पूजा, ये रही एमवीएम कर लिया आपने, अब केशव करेगा देखो, सैंडो में बैठ जाता है ये तो। जय कैसे करेगा, जय कैसे कर रहा था अभी, जय जय रावण की अच्छा बोलते हैं रावण या दशानंद, रावण रावण ही बोलते हैं, चल भाई रावण ही बोलते हैं। तो भाई पूजा करके आ गए हैं, हम बैठे हैं, अब हम खाएंगे खाना, नाश्ता करने का टाइम है लेकिन बज रहे हैं 12, पेट ही भर जाएगा भाई दोपहर में क्या खाएंगे। और ये देखो भाई बालों हमने कानों में लगा रही है, जो लो मैं व्योम के भी लगा देता हूँ, देखो दोस्तों ये लग गए व्योम के, जो देखो पापा के भी लग गई। अब जाएंगे पापा बाहर, कहाँ जाएंगे, बाहर घूमने करने, है ना, बाय बाय। इतना बड़ा है देखो, इतना बड़ा है, और पापा के कान में भी लगा है ना, इतना सारा है, इतना सारा है देखो। चलो लगे रहने दो, पूजा का अपने आप गिरेगा भाई। केशव को जब कंपटीशन हुआ था डांस कंपटीशन, तो केशव उसमें विनर आया, फर्स्ट आया ना, तो केशव आया फर्स्ट, तो भाई ने मिला है गिफ्ट, ये है केशव का गिफ्ट फर्स्ट आने पर। हाँ, और ये वाला ये वानी का गिफ्ट है, और वानी आई थी सेकंड, क्योंकि दो तुम तो ले भाई, हाँ एक भी हमको दे दी, एक भी हमको, तो दो ग्रुप में डांस हुआ था दोस्तों। एज ग्रुप था एक, एट तक था, एक था 9 से लेकर 12 तक, हाँ, और एक था 5 से लेकर 8, हाँ। तो उस वाले छोटे वाले ग्रुप में वानी आई है सेकंड, और बड़े वाले ग्रुप में आया केशव फर्स्ट, तो भाई दोनों बच्चों ने कमाल कर दिया। नोनी भी फर्स्ट आएगा नोनी आ गया, आ गया, चल ठीक है दोस्तों, आ गया नोनी, आ गया फर्स्ट आ गया। हाँ दोस्तों, एक ये वाला जो गिफ्ट है ना, ये तीन गिफ्ट है, एक वानी का है, एक इसका डांस में, ये वानी का है, हाँ, और ये वाला जो है ये ड्राइंग में भी सेकंड आया, थर्ड आया, किसम ड्राइंग में थर्ड आया, जब मैं बोल रहा था ऐसे ड्राइंग नहीं आती हाँ आपके, ये फिर ड्राइंग में आया थर्ड, इससे मिला ये बनाने नहीं देता भाई वीडियो, हाँ ये आपका है वीडियो, देख दिख रहा है ये व्योम का है, दिख रहा है देखो, हाँ मैं बोल लूँ अभी आप प्लीज, सुपरमैन है। तो भाई दोस्तों मैंने बताया एज ग्रुप में बड़े वाले बच्चों में केशव आया फर्स्ट, वानी आई है सेकंड, छोटे वालों में, और ड्राइंग कंपटीशन में आया थर्ड, कमाल कर दिया भाई दुर्गा पूजा में, ये भी आया, व्योम भी आया दोस्तों, व्योम भी आया है, ठीक। और एक केशव अपने गिफ्ट ओपन कर रहा है, एक में मिली है ये वानी का है, ये वानी का ओपन कर रहा है, वानी को ही करने देंगे, वानी को, हाँ वानी करेगी अपना, वानी अपना ओपन खुद करेगी भाई। और ये केशव का, एक केशव का ड्राइंग कॉम्पिटिशन में ये मिला है, ये लो, हाँ ये दे दिया। अब ये वाला डांस वाला भाई ओपन हो रहा है, अच्छा यार बच्चों की चीज़ दी जा रही है, ज्योमेट्री बॉक्स तो अच्छा है, इसमें क्या है, वाह ये भी एक ज्योमेट्री बॉक्स है, जिसमें भाई स्केल वगैरह है, पेन है, मार्कर है ना, खोल के देख ले,
खोल के देखा, ये अच्छा है यार, पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ दी है ना, बढ़िया लग रहा है। अरे वाह ज़बरदस्त भाई, प्रकार भी है, पेन भी है, और ये क्या चीज़ है इसमें, वो है इसकी रिफिल, पेंसिल है ये, पेंसिल पेन पेंसिल है, हाँ पेन पेंसिल है इसके अंदर, इसकी देखो रिफिल भी है दोस्तों, ये रही इसमें, ये रही। अब ये व्योम के हाथ ना लगनी चाहिए, रख दे से, ये रही पेंसिल है, हाँ ठीक। तो भाई मूवी देखने आया मैं, लियो भैया ने बोला एक मूवी आई है साउथ की बढ़िया, उसे देखने चल रहे हैं। मैंने कहा चल ठीक है भाई चलता हूँ, मुझे लगा गणपति आज वो उसके आई ना मूवी, मैंने कहा उसके लिए, मैं कहा वो तो देखने जाऊँगा नहीं, उन्होंने कहा नहीं लियो आई है, लियो देखने चल रहे हैं, मस्त मूवी है। मैंने कहा फिर ठीक है, तो वही देखने आए भाई, भैया और केशव ऊपर है, मैं ऊपर ही जा रहा हूँ। तो बस फाइनली मूवी देखने आ गए, पोस्टर तो मुझे दिख ही नहीं रहा उसका, कहाँ है ये वाली मूवी दिखाने लाए हैं भाई मेरे को साउथ की, इसकी तो मुझे मूवी वैसी भी अच्छी लगती है। चलो भाई अंदर चलते हैं, हम लियो देखने आए हैं भाई, थैलापति विजय की, वैसे विजय कहते हैं उसको भाई, और ये केसव ने गलत नाम बोल दिया था, अब इससे पहले वाला वीडियो जो गलत बन गया था, और जब किसने दो चार मूवी देखी इसकी, ये कह रहा है मैंने इसकी एक ही मूवी देखी, बहुत सारी मूवी देखी, एक वो देखी नहीं थी जो मैं मॉल में वो सबको पकड़ लेते हैं जो ये आता है, हाँ भाई वो मूवी एकदम जानदार मूवी थी इसकी, तो वही देखने आया। मुझे लगा था पहले ये भाई उसकी कौन से गणपत आई है ना, मुझे लगा वो देखने आ रहा है, मगर उसके लिए तो मैं नहीं जाता, उसके रिव्यू इतने गंदे थे, इसके रिव्यू बहुत अच्छे हैं। तो भाई ये देखने के लिए आए मैं और दोनों, ये पहले आ गए थे मैं बाद में आया हूँ, लेकिन भैया आप साथ मूवी देखते हैं बढ़िया रहेगी, रिव्यू अच्छा देंगे, तो आप लोग भी देखने आना। और साउथ की मूवी तो आप लोगों को पता ही है दोस्तों, एक नंबर होती है, एक नंबर, मतलब कुछ कहने की जरूरत नहीं होती, ऐसी मूवी होती है। और हॉल वाले भी ना साउथ की मूवी वही पकड़ते हैं जो ज़बरदस्त होती है, ये याद रखना दोस्तों, वो भी इस टाइम पर छुट्टियों के टाइम पर, मज़ा आने वाला, मूवी देखेंगे मस्त, उसके बाद रिव्यू देंगे इंटरव्यू में, वो इंटरवल में, सॉरी इंटरवल में, मुझे इंटरव्यू निकलता है इंटरवल में, दो बार निकल चुका, पहले भी निकला था एक बार। तो भाई उधर ट्रेलर चल रहा है मूवी का इस वाली LCD पे, लेकिन हम आज दिखेगा ही नहीं क्योंकि हम वैसे ही टेढ़े बैठे हैं, आए हैं US सिनेमा में डी मॉल। भाई इसका लुक वाइज बहुत अच्छा लगता है मेरे को, ये बहुत बढ़िया बना रखा है, और भीड़ पूरी है, भीड़ पूरी उसी के लिए बैठी हुई है, लियो के लिए, लियो ही देखनी है सबको। धीरे धीरे क्राउड बढ़ता जा रहा है और बहुत क्राउड हो गया भाई, देख सकते हो आप, ये सब लियो देखने के लिए आए हैं सारे के सारे, मस्त हो गया भाई, देखते भाई रिव्यू इतने अच्छा रख के तो सब आएंगे भाई अपने आप ही देखने। तो भाई एंट्री कर रहे हैं सारे के सारे, तो भाई आ गए हैं भाई, देख सकते हो क्राउड भी बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे फुल हो जा रहा है भाई सारा, आपको टेस्ट का सारे बाहर ही थे, सारे अंदर आने वाले, झाग का मजा नहीं मिलेगा भाई। जबरदस्त मूवी है, इंटरवल हो गया है, और भाई मैं हूँ बाहर, और बैकग्राउंड म्यूजिक तो इतना अच्छा है भाई मूवी का, इतनी अच्छी फाइट, इतना अच्छा सीन, जबरदस्त मजा आ गया मूवी में। बाकी मैं पूरी डिटेल दूंगा पूरी मूवी ख़त्म होने के बाद, इस टाइम बड़ा तगड़ा सस्पेंस बना हुआ है मूवी के अंदर, लेकिन रियली में मज़ा आ गया भाई जबरदस्त, बैकग्राउंड म्यूजिक का तो फैन हो गया फैन। तो भाई अभी तक सस्पेंस नहीं खुला ये कौन है, पहले मेरे को लग रहा था रॉ एजेंट वगैरह होगा, लेकिन अब वो भी नहीं लग रहा, अब तो लग रहा भाई इसे गुंडे वुंडे ढूंढ रहे हैं, ये पहले मर चुका था, ऐसी कुछ स्टोरी है, अभी तो वो खुली नहीं है, लेकिन भाई साहब एकदम मस्त सीन है भाई, पूरी मूवी में मजा आ गया देखते हुए, मुझे तो नींद आ रही थी, नींद सारी खुल गई, एक दो सीन तो इतने ज़बरदस्त है, बहुत बढ़िया वाले। और भाई जो एक दो वाले, अगर ये 3D मूवी होती ना, जो एक दो सीन दिखाए थे ना इसके अंदर एक्शन वाले, अगर वो होते ना तो सब आँख पे लग रहे हैं, बढ़िया मूवी भाई जबरदस्त, भाई जबरदस्त मूवी, मजा आ गया भाई मूवी देख के, दिल खुश हो गया भाई। और विक्रम का पार्ट है ना जो, उसके लिए स्टोरी छोड़ दी भाई, इतनी जबरदस्त लगी मूवी बता नहीं सकता भाई, घर जाके बात करते हैं। भाई साहब घर आ गया था मैं, जबरदस्त मूवी लियो भाई, और भाई विक्रम के लिए एक किस्म सस्पेंस छोड़ा हुआ है, वो मूवी जरूर देखना, कमल हसन वाले जो विक्रम है उसकी बात कर रहा हूँ, इतनी जानदार मूवी, इतना अच्छा म्यूजिक और अच्छी स्टोरी, भाई साहब मज़ा आ गया, इतने दिनों बाद इतना अच्छा एक्शन देखने को मिला, कि मतलब फिल्म से मतलब स्क्रीन से ना नज़र हटाने का मन ही नहीं कर रहा था, इतनी ज़बरदस्त मूवी थी भाई। जो इसकी रेटिंग चल रही है ना, वो रियली में रेटिंग ना और ही ऊपर होनी चाहिए थी, मैं तो कह रहा हूँ 100 ही देनी चाहिए थी, 5-star रेटिंग मूवी है भाई, मूवी बहुत ज़बरदस्त है, साउथ की मूवी को तो कोई टक्कर दे ही नहीं सकता भाई, रियली में मज़ा आ गया भाई। फिलहाल आ गया हूँ घर, और फिर देखेंगे शाम के अपडेट शाम को। भाई रामलीला मैदान पहुँच चुका हूँ, लेकिन पार्किंग में वो भी खड़ा हुआ,
ये रे भाई पार्किंग आज सारी फुल हम पीछे बैक वाली साइड से आए हैं। व्यवस्था फुल है और पार्किंग में है ना ढूंढ ढांड के लगा दी वीआईपी गाड़ी अपनी। ये रही हमारी वीआईपी गाड़ी, जब कहीं कुछ ना मिले तो वीआईपी गाड़ी यहाँ लगा दो। अब भाई उस साइड देख रहे हो इतनी दूर है, अभी जाना पड़ेगा यहाँ से घूम के जाएंगे। चलो अच्छा और दारिश हमारा पैक हो गया। तो भाई फुल क्राउड है भाई, आप देख सकते हो पूरा रोड भाई भरा पड़ा है। ये सारी मेले की भीड़ भाई। सारे भाई अंदर आ गए हैं भाई। ये वाला झूला सबसे डेंजर झूला, इसी को देख रहे हैं भाई। यहाँ तो पैर रखने की भी ढंग से जगह नहीं है, इतना क्राउड है, बहुत क्राउड है भाई, बुरा हाल हो रखा है आज तो भाई साहब। ऐसा नजारा देखता नहीं है, इतना भीड़ यार। आ जाओ भाई, चल रहे आज तो भाई सेल्फी स्टिक भी लग गई है, नहीं तो थी नहीं, अभी लगाई है भाइयों ने। एक दो चीज़ें नई लग गई हैं भाई, नई ऐड हो गई हैं, एक दो झूले भी नए लग गए हैं भाई, जो नहीं थे बीच में जब मैं आया था। तो ये लग गया भैया रावण, बन के हो गया तैयार, थोड़ा दूर ही लगाया हुआ है। कल लंका यहीं जली थी, परसों लंका यहीं जली थी। और ये रावण, इन्होंने हल्ला मचाया हुआ है प्याऊ प्याऊ वालों ने। बोले रावण पास में चलते थोड़ा फोटो लेके आएंगे। तो भाई फाइनली रावण के पास आ गया हूँ, अब देखते हैं भाई क्या टाइमिंग रहती है चलने की, तो वेट करते हैं भाई। लेकिन ये थोड़ा सा भाई वो फिनिशिंग नहीं है रावण में, बस बाकी ठीक है। फालतू में बताऊं मेघनाथ वध हुआ है, उसके बाद में अब कुंभकर्ण होगा, उसके बाद फिर
फिर वो भी उसके उससे पहले भी तीन चरकड़ियाँ लड़ने जाएंगे, ये करेंगे, अंगद जाएगा समझाने, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो भैया अब निकल रहे हैं, मतलब घूमने फिरने जो भी है, फिर बताएंगे कहाँ निकल रहे हैं। भाई धूल मट्टी से बहुत परेशान हो गया रियली में, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई यार। मैं तो सोच रहा था कि लास्ट वाले डे दिन मतलब आज जाता और अच्छे से वीडियो बना के लाऊं रावण वाले की, लेकिन क्राउड तो आप हम मुझे पहले से ही पता है, लेकिन वीडियो नहीं बन पाएगी इतना नहीं पता था भाई। इतनी भीड़ थी कि फ़ोन निकालने का ही मन नहीं कर रहा था ढंग से बहुत ज़्यादा। मैंने तो अपनी याली हाथ की चैन हुई उतार के रख दी थी याली, मैंने कहा भाई दिक्कत हो जाएगी और अभी ऐसे चल रहा है, अभी टाइम लग जाएगा। उन्होंने खुद 10:30 बोला तो भाई 11 तो 11:30 बज ही जाएंगे और अभी टाइम ही क्या हुआ, अभी 8 बज रहे हैं दोस्तों, देखो 8 बजे, इतनी देर तक हम क्या करेंगे यहाँ पे। इतनी धूल उड़ रही है भाई साहब, बहुत ज़्यादा आती मच रखी है इस टाइम। तो अब निकल रहे हैं भाई हम, फिलहाल देखा जाएगा जहाँ चलते हैं, नहीं तो घर जाएंगे वो सीधा। फाइनली घर आ गए और स्कूटी के ऊपर हो रही है लड़ाई धर्मवीर पे, दारिस पे स्टार्ट नहीं हुई थी स्कूटी सही है सही है यार। क्या फायदा एक भाई, ये स्कूटी दी थी हमने, स्कूटी नहीं रखी भाई, हम खटारा स्कूटी नहीं रखते हैं, खटारा कौन कह रहा है, कोई नहीं है ये खटारा, ये एक बजे सामने स्टार्ट हुई थी, नहीं हुई थी इतनी देर खड़े होने के बावजूद एक स्टार्ट हो गई बता यार। उसके बाद दानिश बोला मुझे यकीन नहीं हो रहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा। ठीक है भाई दोस्तों, एक्चुअली क्या था, रामलीला देखो आपको बताया था मैंने, लेट हो गई थी, अब हम घर आ गए, तो इस ब्लॉग को मैं यही एंड करूंगा। तो मेरा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर और सब्सक्राइब। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।